नमस्कार दोस्तों, और पेश बांसल आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूँ। फाजिल्का के जलालाबाद से खबर आ रही है, यहाँ पर सदर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा बाजारों में से रैली निकालकर स्वदेशी चीजें खरीदने का आह्वान किया। बाजारों में लोगों से स्वदेशी चीजें खरीदने का संदेश देने के लिए यह रैली निकाली गई। फाजिल्का जिला के जलालाबाद के सदर सरकारी स्कूल के बच्चों द्वारा यह रैली निकाली गई है। इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया। हाथ में तख्तियां पकड़कर इनके द्वारा स्वदेशी चीजें खरीदने का आह्वान किया गया। इनके द्वारा स्वदेशी चीजें ही खरीदने की बात कही गई। इनका कहना है कि अगर हम स्वदेशी चीजें खरीदेंगे तो ही हमारा देश बच सकता है, क्योंकि विदेशी कंपनियां सारा पैसा विदेशों में ले जाती है, जिससे हमारे देश का विकास नहीं हो पाता। अगर हम स्वदेशी चीजें खरीदेंगे तो ही हमारा देश बच पाएगा। किस प्रकार से यहां पर बच्चों द्वारा रैली निकाली गई है, आरबीआई मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम कुलदीप है और मैं सर्वहितकारी स्कूल में एक अध्यापक के तौर पर पढ़ाती हूं। आज हम सभी सर्वहितकारी स्कूल के बच्चों को लेके हमारे पूरे जलालाबाद में ये रैली निकालने जा रहे हैं, और इस रैली को निकालने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी के बारे में प्रचार करें, ताकि हमारे भारत के लोग स्वदेशी चीजों को ही खरीदें, ताकि सबसे ज्यादा सामान जो हमारे भारत में बनता है लेकिन वो चला कहाँ जाता है, विदेशों में। जो विदेशी कंपनियां यहाँ पर आती हैं और हमारे भारत के लोगों के द्वारा बनाए हुए सामान को बाहर लेके जाती है और फिर अपने टैग लगाकर उन्हें इंडिया में आके वही सामान यहाँ पर उनको बेचती है, तो इससे ज्यादा फायदा किनको होता है, विदेशों को होता है। लेकिन हम सभी लोगों को यही जागरूक करना चाहते हैं इस रैली को निकाल के, कि हमारी युवा पीढ़ी यहीं पे हमारे भारत में ही सामान बनाए और यहीं पे ही उसको बेचे, ताकि उसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे भारत को, हमारे भारत के लोगों को। हमारे भारत के अंदर जैसे कि हमें पता है, बहुत साल पहले हमारे भारत में एक कंपनी आई थी जो कि व्यापार के नाते से आई थी, और उसने हमारे भारत को कब्जे में कर लिया, हमें गुलाम बना दिया। आज हजारों कंपनियां हमारे भारत के अंदर आई हुई हैं और धीरे धीरे हम उनके गुलाम बनते जा रहे हैं। हमने ये गुलामी को स्वीकार नहीं करना, हमने विदेशी माल का बहिष्कार करना है। हमें हमारी संस्कृति पे, हमारे भारत के उद्योगों पे गर्व होना चाहिए। हम उन्हीं चीजों को यूज करें जो हमारे भारत में बनती है। हम किसी भी तरह से कम नहीं है, हमारे उत्पादक जो भारत में बनते हैं वो किसी भी तरह से कम नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा उनका उपयोग करें, यही संदेश हम भारत के वासियों को देना चाहते हैं। हम सभी लोगों को जगाना चाहते हैं कि हमें देशी लोगों का सामान नहीं खरीदना चाहिए। अगर उनका सामान नहीं खरीदेंगे तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रह जाएगा और आर्थिक तौर पर हमारा देश अमीर हो जाएगा। तो इसलिए हम सभी लोगों को जगाना चाहते हैं कि हमारे स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करें और विदेशी कंपनियों का प्रयोग मत करें, ताकि वह हमारा देश छोड़कर चले जाएं।